पलवल की होडल CIA पुलिस ने 2 करोड़ रुपए की कोकीन समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 400 ग्राम कोकीन बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर गहन पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड अवधि के दौरान मादक पदार्थ के बारे में आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जाएगी। रिमांड अवधि के दौरान आरोपियों से और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। हमारी टीम के पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी कि 2 व्यक्ति हैं, जिसमें एक का नाम ओमवीर है और दूसरा राकेश है, कि ये काफी समय से जो नशा तस्करी का काम करते हैं, जैसे कोकीन है, हीरोइन वगैरह है, स्मैक वगैरह का कार्य करते हैं। तो इसी कड़ी में हमारी टीम के पास इन्फॉर्मेशन थी और माननीय SP साहब के दिशा निर्देश थे कि कोई भी ऐसा आदमी जो NDPS का काम करता है, नशा तस्करी का काम करता है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इसी कड़ी में हमारी टीम में सब इंस्पेक्टर हाजिर खान के नेतृत्व में हमने जो टीम बना के टीम गठित की और ये अलीगढ़ रोड पे है, सिहोल गांव के पास 2 व्यक्तियों को काबू किया और काबू करने पे और इनको नोटिस दिया कि आप तलाशी कराना चाहते हो तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट से वहाँ पर तलाशी कराए। और तलाशी कराने के बाद इनके पास से 400 ग्राम जो कोकीन है वो बरामद की गई है। तो मोटरसाइकिल थी इनके पास, एक होडल CD 110 थी, वो उसमें ये बरामद की गई है। और इसमें 2 आदमी हैं, ओमवीर पुत्र सिब्बन है, ये चाट का रहने वाला है, और राकेश पुत्र हरदेव है, ये दिघोट का रहने वाला है। सर, इस कोकीन की मार्केट में कितनी कीमत बताई जा रही है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 4 करोड़ के करीब बताई जा रही है। तो सर, कब से काम करना है, कुछ ऐसा बताया आरोपी ने? देखिए, आज इसको कोर्ट में अभी लेके गए हैं और कोर्ट में इसको पेश करके इनका पुलिस रिमांड लेंगे और पुलिस रिमांड के दौरान इससे गहनता से पूछताछ करेंगे। बहरहाल, होडल CIA के मुताबिक नशा तस्करों के खिलाफ राजेश दुग्गल के मार्गदर्शन में जिला पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान चलाया हुआ है। इसी कड़ी में उनकी टीम अलीगढ़ रोड के GP फ्लाईओवर के नीचे गश्त पर मौजूद थी। तभी उन्हें मुखबिर से गुप्त सूचना मिली कि 2 युवक मादक पदार्थ तस्करी का काम करते हैं, जो कि एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव चंदहट की तरफ से पलवल आ रहे हैं। अगर अलीगढ़ पलवल रोड पर स्थित सिहोल चौक पर नाकाबंदी की जाए तो उन्हें नशीले पदार्थ समेत काबू किया जा सकता है। सूचना मिलते ही टीम गठित करके मौके पर नाकाबंदी की गई और करीब 20 से 25 मिनट के बाद बाइक पुलिस को आती हुई दिखाई दी, जो पुलिस पार्टी को देख आरोपी मौके से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन टीम ने मौके पर ही दोनों को काबू कर लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान ओमवीर पुत्र शिवबन निवासी गांव चंदहट और राकेश पुत्र हरदेव निवासी गांव दिघोट के रूप में हुई है। आरोपियों की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 400 ग्राम कोकीन बरामद हुई। पकड़ी गई इस कोकीन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2 करोड़ रुपए है। सत्य खबर के लिए पलवल से नितिन शर्मा की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।